2 तारीख दिन पर्यंत समस्त जिल्ला को एवं ओडिशार समस्त विभाग को दिया जाइथिला निर्देश जे 2 तारीख सुद्धा क्षय क्षतिर आकलन रो कार्य को समाप्त करिया पई 14टा जिल्ला जो जिल्ला माने आंशिक भाव हो किंबा व्यापक भाव हो क्षतिग्रस्त होते जमी अनुगुल बालेश्वर भद्रक कटक ढेंकानाल गंजाम जगत सिंहपुर जाजपुर केन्द्रापड़ा एवं मयूरभंज नयागढ़ पुरी ये 14टा जिल्ला रो चूड़ांत रिपोर्ट पहुँची जा प्रथम रिपोर्ट तो होची जे बन्या समय से मानकर जो खर्च हला खर्च रिलीफ सेंटर रे खर्च हला रंधा खाद्य जोगान रे खर्च हला सुखिला खाद्य जोगान रे खर्च हला छुआ मानक पई शिशु खाद्य जोगान रे खर्च हला एवं बहुत जगह रे से मानकर जो माने रिलीफ सेंटर को आइथिले तांकर कपड़ा लतारे मध्य किछि खर्च होईची इटा हूँ गोटे खर्च द्वितीय खर्च हला जे विभिन्न जिले रे फसल नष्ट एवं लोकंकर घर आंशिक किंवा संपूर्ण नष्ट ये रिपोर्ट 14टा जाक जिल्लार आमर हस्तगत हो जाए द्वितीय रिपोर्ट हूँ जे राज्य सरकार विभिन्न विभाग से मानकर रिपोर्ट केवल पंचायती राज डिपार्टमेंट को छाड़ीदे बाकी समस्त डिपार्टमेंट जमी शक्ति विभाग कृषि विभाग आपणकर गणशिक्षा विभाग रूराल डेवलपमेंट विभाग ये समस्त क्षयतिर चूड़ा रिपोर्ट आम पाक पहुँची ये समस्त रिपोर्टर संकलन चली संकलन चलापर जा चूड़ा फिगर आज संध्या सुधा राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग ताकु प्रस्तुत से बाबद आपण को मुझे कहता एटा एथिपे समय लगे जी धरतु आपण कौन जिले में जिलापा जो रिपोर्ट आसी फसल नष्ट बाबद जिलापा भी पठेबे एवं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उक्त निर्दिष्ट जिले में केते क्षति होती फसल तार रिपोर्ट पठेबे दुईटा को राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग तार मैचिंग एवं क्रॉस मैचिंग करातीपर जा चूड़ा रिपोर्टा प्रस्तुत होता है प्रस्तुति काम चली व्यापक क्षय क्षति प्राथमिक आकलन रु मोटामोटी 600 कोटी टंकार क्षय क्षति अनुमान चूड़ांत कंपाइलेशन सलापर विभिन्न जिलार रिपोर्ट एवं विभिन्न विभाग क्षय क्षतिर रिपोर्ट तार संकलन कलापर निर्दिष्ट भाव में केते क्षय क्षति से बाबद कौन सी मंतव्य देहब आज बालेश्वर जिला भद्रक जिला तापर केन्द्रापड़ा जिला ये तीनोटी जिला व्यापक भाव में प्रभावित होती ये जिला पाखरे जो जिला मैंने अच्छी धरतु आप मयूरभंज जिलाटा बालेश्वर को लग कर मयूरभंज में क्षय क्षति होती जाजपुर जगत सिंहपुर में क्षय क्षति होती कटक किसी अंचल में क्षय क्षति होती आपड़ जदि से पूर्णांग विषय जानपर 14टा जिलू एफेक्टेड ब्लक हूँ 166टा ब्लक एफेक्टेड होती क्यों जिले में संपूर्ण सब ब्लॉक एफेक्टेड क्योंटी में गोटे जोड़े जिला है सब मिसेक 14टा जिला 166 ब्लॉक एवं ये 166 ब्लॉक रु एफेक्टेड होता ब्लॉक ये 166 ब्लॉक है 14टा जिलार 166 ब्लॉक भितर 131टा ब्लॉक क्षतिग्रस्त होती आंशिक हो कि बेसी हो नंबर ऑफ विलेजेस यदि आप आहरी तल को ओह्ल 11637टा गाँ बन्या एवं बात्यारे प्रभावित होती टोटल पॉपुलेशन जो मैंने कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में प्रभावित है से मानकर संख्या हूँ 41,04,357 41,04,357
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇକରି ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ସଂକଳନ ହେଇଛି ସେଥିରେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରପ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼, ତାପରେ ଘର ପକ୍କା ଘର କେତେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଘର କେତେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼, କେତେଟା ଆଂଶିକ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼, କେତେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଜାଗାରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ 4000 ପାଖାପାଖି କୁକୁଡ଼ା ସେମାନେ ବାତ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା। ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଜୀବ ଯେଉଁଟା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ 60+11 71। ଇଏ ସବୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଡ଼୍ରେ ଆକଳନ ମାନେ ଆସିଛି, ତାର କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମୋଟାମୋଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆକଳନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କର ଫସଲ, ଲୋକଙ୍କର ଘର ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କ୍ଷତି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜଣାଇବାର କଥା ଯେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର, ସେଇଟା କେଉଁଟା ଆଡ଼ମିସିବୁଲ କେଉଁଟା ଆଡ଼ମିସିବୁଲ ନୁହଁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ କରିବ। ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳନ ହେଲା ପରେ ପଠାଇବୁ। ବୋଧେ ଆଜି ସଂକଳନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆଜି ସଂକଳନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଳକୁ ମୋର ଆଡ଼ିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ SRC ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ସଂକଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ, କେନ୍ଦ୍ରର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପଇସା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଫସଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣଟା ଆମେ ଦିନେ ଅଧେ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ବିଭାଗୀୟ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଅଛି ସେ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷତି, ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କାମ ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।